हेलो जी, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे आलू पालक की सब्ज़ी। उसका सामान ये है: बारीक काटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को काट लिया मैंने, और अदरक, बारीक काटा हुआ टमाटर। पालक को अच्छे से मैंने बारीक काट लिया, अच्छे से धो लिया इसको मैंने। आलू लिए हैं मैंने दो छोटे, और इनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया मैंने। धनिया लिया है। एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल गरम करेंगे, उसमें थोड़ा हम धनिया और ज़ीरा डाल देंगे। इनको हल्का ब्राउन कलर करेंगे। अब इसमें हम बारीक काटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन को अच्छे से हल्का ब्राउन करेंगे। अब इसमें हम अदरक भी ऐड कर देंगे, बारीक काटा हुआ अदरक। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। अब इसमें हम बारीक काटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। अच्छे से इसको पकाएंगे, हल्का ब्राउन कलर करेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। हींग के साथ ही बारीक काटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से प्याज के साथ पकाएंगे। अब इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे वो ये: धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्ची। आप नमक और मिर्ची कम और ज़्यादा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। सब मसालों को अब प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा प्याज और टमाटर ने थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम पालक डाल देंगे। पालक को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ी देर ढक के पकाएंगे पालक को। अब ये पालक आधे से ज़्यादा पक गया है। अब इसे में बॉईल किए हुए आलू भी ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। तैयार है हमारा आलू पालक की सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू। और कमेंट में बताना कैसे लगे।